पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड में हमारे बड़े भाई और पूर्व सांसद श्री साधु यादव जी का हम नौजवानों की तरफ से महागठबंधन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। उनके बगल में हमारे गार्जियन अभिभावक और एक वरीय नेता जनाब अब्बास और गठबंधन से लड़े, इसका भी तो खुलासा हुआ नहीं। तो सभी प्रत्याशी जो भी होते हैं तो सब लोग कोई ये गठबंधन में जा रहा है, कोई महागठबंधन में जा रहा है। तो हमारा भी दल है गरीब जनता दल सेकुलर है। जैसे अभी नया नया पार्टी लोग बनाए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक पार्टी है रोसपा, एक और पार्टी आई है नई हमारे बिहार में भी आई थी, कोई निषाद जी का पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए थे बिहार में तो इनके पास एक भी एमएलए नहीं था, ना कोई एमपी था। राज्यसभा के सदस्य बन के उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी ने बना के उनको भेजा था। बीच में झगड़ा हो गए, लोगों आपस में अलग हो गए और अलग होने के बाद सब चले गए कांग्रेस के साथ। फिर कांग्रेस के बाद उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चले गए गुजरात और मिल करके उनके साथ गठबंधन बनाया। उसके रामो करम पर ये तीन सीट एमपी बन के आए, पहले भी गायब हो गया और एमएलसी भी गायब हो गया, एमपी भी गायब हो गया। इनकी पार्टी की अस्तित्व अब खतरे में है मैं समझता हूँ। लेकिन गठबंधन में चले गए हैं, उसी तरह से एक पार्टी और नई आई है जिसका अभी जन्म हो रहा है, वो भी गठबंधन में है। और साधु यादव जो पार्टी बनाए गरीब जनता दल सेकुलर 2015 के इलेक्शन में, और हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो है जो अभी ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों से पहले हमारी पार्टी की उसमें जो लाइन लाइन है उसको हमने दिया था हो गई 2009 से। अब 9 से हमारे यहाँ के जो यहाँ के पुनवासी भाई एमपी थे हमारे यहाँ कांग्रेस में, और हमको यहाँ हमको लड़ना था, कांग्रेस पार्टी ने हमको बेतिया में टिकट दिया और हम लड़े वहाँ, हमको 71,000 वोट प्राप्त हुआ, तीसरा नंबर था। जसवाल जी चुनाव जीतते गए, प्रकाश झा आए थे पोजिशन में वहाँ रामविलास जी के और लालू जी के पार्टी के तरफ से। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं करना चाहते अभी, लेकिन ये अपने लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे नरकटिया के विधानसभा प्रखंड के जो हमारे भाई आए हैं, तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को हम भ्रमण करने के लिए निकले हैं, हम घूम रहे हैं और घूमने के बाद और हमारी ऊपर में भी बात चल रही है, लेकिन हम खुलासा नहीं करना चाहते हैं महागठबंधन की तरफ से भी, और बात हो रही है लेकिन अभी हम ओपन नहीं करेंगे। चुनाव की तैयारी है माना जाए आपका? हाँ बिल्कुल, चुनाव की तैयारी में निकले हैं। पॉलिटिकल आदमी ये चुनाव का तैयारी नहीं करेगा तो करेगा क्या? करना है साथी, और बहुत हमारे गार्जियन लोग भी होंगे, आवास भाई भी हैं, चाचा भी हैं, और नाम तो हम सब नहीं गिना पाएंगे, लेकिन सबको मैं नमस्कार और प्रणाम सलाम करता हूँ। और आने वाला दिन में मैं नरकटिया ये क्या बोलते वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं अपना पर्चा दाखिल करूंगा, और किस रूप में दाखिल करूंगा ये चुनाव इलेक्शन घोषणा होने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये हम संदेश जरूर दे रहे हैं कि हमारी यहाँ आना जाना पहले से भी है, कोई आज नया नहीं है, हम सबके करीब है और जो लोग भी वो भी हमारे करीब है, और सबको मैं जानता हूँ और सब लोग हमको भी जानते हैं, इसलिए जानकारी देने की तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन अपने
भाइयों के बीच ज्यादा नफरत है, इसलिए हमने नरकटिया कल से ही शुरुआत किया। आज से लगातार अब हमारा कार्यक्रम चलेगा।